Good morning, class. This is our new patho class in which today we will start our new chapter, that is pathology of cardiovascular system. आप जानते हैं हम लोगों ने systemic pathology start कर ली है, जिसके अंदर हमने कई सारे systems पढ़ लिए हैं. अब जो हम system पढ़ रहे हैं वो है CVS. तो देखिए, कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ है इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपकी हार्ट में तीन लेयर्स होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम. तो जो मायोकार्डियम है, जो इसकी मस्कुलर लेयर है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है ऑक्सीजन के प्रति. अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ जाए तो मायोकार्डियल लेयर तुरंत मरना स्टार्ट हो जाती है. और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी मतलब हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया किसकी वजह से होता है? अगर ब्लड सप्लाई कम हो. ब्लड सप्लाई कम होना मतलब इस्कीमिया. इस्कीमिया मीन्स लैक ऑफ ब्लड सप्लाई. तो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से जो डिजीज़ होती है हार्ट के अंदर, उसको अपन IHD यानी इस्केमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं. और ये इस्कीमिया किसकी वजह से होती है कि हमने कहा भाई इसमें ब्लड सप्लाई कम हो रही है. ब्लड सप्लाई मतलब वैस्क्यूलर जो पार्ट है आपका, ब्लड वेसल जो है, शायद उसमें रुकावट आ गई होगी. उस रुकावट की वजह से ही ब्लड फ्लो प्रॉपर हो नहीं पा रहा, ब्लड सप्लाई हो नहीं पा रही है. रुकावट जो आ जाती है वो कैसे आ जाती है? जब कोई फैट, आप आम भाषा में कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो कोलेस्ट्रॉल जब ब्लड वेसल में डिपॉजिट हो जाता है तो उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है. तो इसका मतलब इसमें जो है, एक तो ब्लड वेसल की प्रॉब्लम हो रही होती है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के अंदर, एक मायोकार्डियम की प्रॉब्लम हो रही होती है. तो ब्लड वेसल की जो प्रॉब्लम होती है उस डिज़ीज़ को हम कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस. उस एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से सीने में दर्द उठना स्टार्ट होता है, उसको अपन कहते हैं एंजाइना. और उस एंजाइना के साथ में ही अगर मायोकार्डियल लेयर मरना स्टार्ट हो चुकी है, उसके अंदर डेथ दिखाई दे रही है मायोकार्डियल सेल के अंदर, तो उसको अपन कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. तो हमारे जो IHD टॉपिक है उसके अंदर अपन तीन डिजीज़ पढ़ेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी MI. अब देखिए IHD, इसको अपन कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी कहते हैं. IHD एक कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट हो रही है, यानी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है. और मायोकार्डियम में ऑब्वियस है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं हो रही है मायोकार्डियम तक प्रॉपर. तो इसका मतलब मायोकार्डियम में जो ऑक्सीजन सप्लाई है और जो डिमांड है उसमें इम्बैलेंस आ गया, यानी डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो रही है. तो देयर इज़ अ इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मायोकार्डियल लेयर ऑफ द हार्ट. किसकी वजह से हो जाती है ये सप्लाई कम? एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से. कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर एथीरोस्क्लेरोसिस हो जाए तो उसकी वजह से IHD देखने को मिलती है. तो इसके अंदर हम एंजाइना देखते हैं, मतलब इस एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से एंजाइना हो जाता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है, एरिदमिया हो जाता है, और हो सकता है हार्ट फेलियर हो जाए. एंजाइना दो तरह का होता है, स्टेबल अनस्टेबल, वैसे तीन तरह का होता है पर जनरली स्टेबल अनस्टेबल देखने को मिल रहा होता है. अब सबसे पहले अपन एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ लेते हैं. ये हमारे बॉडी की किसी भी आर्टरी को अफेक्ट कर सकता है, मेनली हार्ट, ब्रेन और लिम्स पे अफेक्ट डालता है. हार्ट पे एंजाइना कॉज करेगा, MI कॉज करेगा, और हो सकता है पर्सन की सडन डेथ हो जाए. ब्रेन के अंदर इसकी वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से स्ट्रोक हो जाता है. स्ट्रोक हमने पढ़ लिया था, पढ़ा देना ना स्ट्रोक, CNS के अंदर स्ट्रोक मैंने आपको पढ़ा दिया. इसके अलावा ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक भी ब्रेन में आ सकता है. लिम्स के अंदर क्लॉडिकेशन और क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया हो सकता है. तो फिर लिम्ब भी जो है ढंग से मूवमेंट नहीं कर पाते. जो पिक्चर में आपको दिखाई गया है वो ब्लड वेसल दिखाई गई है. ब्लड वेसल के अंदर ये RBC वगैरह यानी ब्लड ट्रैवल कर रहा है, और ये जो येलो येलो पार्ट है वो कोलेस्ट्रॉल है जो कि डिपॉजिट हो गया है आर्टरियल वॉल के अंदर. तो ये डिपॉजिट हो जाने की वजह से देखिए ये आर्टरियल वॉल बेचारी फूल गई तो नैरोइंग ऑफ आर्टरी हो गई है, तो ब्लड सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया. अब एथेरोस्क्लेरोसिस एक प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है आर्टरियल वॉल का,
जिसमें क्या दिखाई देता है कि फोकल लिपिड रिच डिपोजिशन हो जाता है, यानी लिपिड किसी पर्टिकुलर जगह पर, पूरी आर्टरी में नहीं, आर्टरी किसी पर्टिकुलर जगह पर लिपिड जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। इस लिपिड के डिपोजिशन को, ये जो बन गया है, जो आपको ये ऐसा इस पिक्चर में ये येलो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको अपन क्या कहते हैं फिर, एथीरोमा कहते हैं। देखिए एक चीज़ सुन लिए, एनाफिजियो के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि आर्टरी की जो स्ट्रक्चर है उसमें तीन लेयर्स पाई जाती है, ट्यूनिका एंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो ये इंटीमा की और मीडिया की डिजीज़ है, मेनली इंटीमा की डिजीज़ है, इंटीमा में इंजरी हो जाती है इसकी वजह से, तो आप इसको इंटीमल इंजरी भी कह सकते हैं। और इंजरी तो थोड़ा सा कॉमन वर्ड हो गया, एक्चुअली ये जो आपको पिक्चर में येलो येलो सी कंडीशन दिखाई दे रही है इंजरी है, पर ये एक्चुअली साइंटिफिक टर्म अपन अगर मेडिकल टर्म इसके लिए बोलें तो ये एक प्लाग है, प्लाग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस को अगर आपको कोई डिफाइन करने के लिए कहें तो आप सीधा कहिए एथेरोस्क्लेरोसिस इज एन इंटीमल प्लाग, फर्स्ट पॉइंट इंटीमल प्लाग। दूसरा आप इसको एथीरोमेटस प्लाग कह सकते हैं, और तीसरा आप इसको एथीरोस्क्लेरोटिक प्लाग भी कह सकते हैं। तो इन तीन नामों से आप डिफाइन कर सकते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस क्या है, इंटीमल प्लाग और एथीरोमेटस प्लाग और एथीरोस्क्लेरोटिक प्लाग। तो एथीरोमेटस प्लाग का मतलब क्या है, इसमें एथीरोमा बन जाता है, लिपिड रिच एथीरोमा। क्लिनिकली एसिम्टोमेटिक रहता है तब तक जब तक कि ये इतना बड़ा ना हो जाए कि टिश्यू परफ्यूज़न इसकी वजह से इम्पेयर्ड हो जाए। तो जब तक टिश्यू परफ्यूज़न इम्पेयर्ड नहीं हो तो तब तक इसके क्लिनिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। दूसरा अल्सर बन जाते हैं और लेजन जो है डिसरप्ट हो जाते हैं, जिससे कि थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी। वेसल में डिस्टल एम्बोलाइजेशन दिखाई देगा। एम्बोलाइजेशन क्या होता है कि भाई हो सकता है किसी और जगह का क्लॉट, एक जगह का क्लॉट दूसरी जगह जाकर के फंस जाए, तो या तो क्लॉट इस तरह से फंस गया तो एम्बोलाइजेशन, और उसी जगह पे क्लॉट बन गया तो थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन, थ्रोम्बोसिस कहते हैं उसी जगह पर जहाँ लेजन हुआ है, लेजन डिसरप्ट हो जाता है, अल्सर बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्लॉट व्लॉट बनेगा, यानी थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस होने से वहाँ पर रुकावट आ जाएगी, इसको अपन कहते हैं थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन, या फिर डिस्टल एम्बोलाइजेशन भी हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंड कर रहा होता है लेजन किस जगह पर बना है, वो घाव किस जगह पर बना है, फिर मतलब कौन सी आर्टरी में बना है, और वो आर्टरी किस ऑर्गन को सप्लाई कर रही है, और वो ऑर्गन कितना वल्नरेबल है उस ब्लड सप्लाई और उस ऑक्सीजन के प्रति, कितना वल्नरेबल है। अब अर्ली एथीरोस्क्लेरोसिस कब दिखाई देता है, लाइफ के सेकेंड या थर्ड डिकेड, 20-30 की उम्र के अंदर। ये ऑल्टर्ड आर्टरियल शीयर स्ट्रेस जहाँ पर भी देखने को मिलता है उस जगह पर हो जाता है, जैसे किसी, जैसे कोई बाइफर्केशन है वहाँ पर शीयर स्ट्रेस आ जाता है आर्टरी में, या फिर एबनॉर्मल एंडोथेलियल फंक्शन कहीं पर शुरू हो जाता है तो वहाँ देखने को मिल सकता है। इन्फ्लामेटरी सेल्स दिखाई देगी, प्रीडोमिनेटली वहाँ पे मोनोसाइट्स दिखाई देंगी जो कि रिसेप्टर्स पर बाइंड हो जाएंगे एंडोथेलियल सेल्स पर, और फिर वो इन्फ्लामेटरी सेल्स इंटीमा में चली जाएगी, मैंने आपको कहा ना ये इंटीमल प्लाग इंटीमा में चली जाएगी, फिर वहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है एलडीएल पार्टिकल को लेकर के, और फिर लिपिड लेडन मैक्रोफाज, क्योंकि उसमें वो माइग्रेट हो गई ना, ये मोनोसाइट्स, देखिए मोनोसाइट्स माइग्रेट हुई हैं भाई, वहाँ पर मैंने पहले बोला कि इंजरी विंजरी हो गई, इंजरी होते इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन होते वहाँ मोनोसाइट्स पहुँचेंगी, मोनोसाइट्स एंटीमा पे पहुँची, एंटीमा पर जाकर के अगर वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल है, ऑब्वियस कोलेस्ट्रॉल होगा, एलडीएल होगा, मैंने बताया आपको कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रहा है, तो एलडीएल वहाँ पर है तो ये जो मोनोसाइट्स है एलडीएल को खा जाएगी, खाने से वो क्या बन जाएंगी, वो मोनोसाइट्स एक्टिवेट होकर के मैक्रोफाज बनेंगे, और मैक्रोफाज ने एलडीएल खा लिया तो वो फूल जाएंगी, झाग जैसी दिखाई देगी, इसको आप कहते हैं फॉर्मी मैक्रोफाज, इसको आप लिपिड लेडन मैक्रोफाजेस या फॉर्म सेल्स कह सकते हैं या फॉर्मी मैक्रोफाज कह सकते हैं। फिर ये जब फॉर्म सेल्स डाई हो जाती हैं तो ये लिपिड पूल बना देती है इंटीमल स्पेस में साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर के साथ में। इन रिस्पॉन्स स्मूथ मसल सेल्स माइग्रेट इंटू द मीडिया,
पर जैसे ही ये वाली चीज़ें हुई कि मैंने कहा कि यहाँ पे साइटोकाइंस रिलीज़ हो रहे हैं और ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ हो रहे हैं, तो ग्रोथ फैक्टर्स क्या करेंगे, स्मूथ मसल सेल्स का प्रोलीफरेशन करवाएंगे और ये स्मूथ मसल सेल्स माइग्रेट हो जाएगी मीडिया में, माइग्रेट हो जाएंगी इन मीडिया में, सॉरी मीडिया से इंटीमा में, मीडिया में तो है, मीडिया स्मूथ मसल सेल के बनी हुई है और मीडिया के स्मूथ मसल सेल ग्रोथ फैक्टर की वजह से प्रोलीफरेट होना स्टार्ट हो गया। प्रोलीफरेट होते हुए ये कहाँ चली जाती है, इंटीमा के अंदर चली जाती है, इंटीमा में चली गई तो ये लिपिड का कोर बना लेती है और उसके लिपिड कोर तो था ही, ये LDL वहाँ पर इकट्ठा हुआ लिपिड कोर था, इस लिपिड कोर के ऊपर स्मूथ मसल सेल्स और मैट्रिक्स जो है कवरिंग बना लेता है, तो लिपिड कोर और ऊपर से मैट्रिक्स की कवरिंग, इसी को आप एथेरोमा कहते हो, या एथेरोमेटस प्लागे, या ये एथेरोमा के बीच में लिपिड का कोर है और उसके चारों तरफ स्मूथ मसल सेल्स और मैट्रिक्स की कवरिंग है, तो इससे स्टेबल एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाग बन जाएगा जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। ये एसिम्प्टोमेटिक रहेगा तब तक जब तक कि ये आर्टेरियल फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट ना कर दे, इतना बड़ा ना हो जाए तब तक। ये देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है सुपरफिशियल एंडोथेलियल इंजरी, एंडोथेलियल डिनुडेशन, ये तो ऊपर सुपरफिशियल इंजरी बताई गई है और दूसरे वाले डायग्राम में डीप एंडोथेलियल इंजरी बताई गई है, प्लाग फिशरिंग बताई गई है। ये येलो कलर का प्लाग बन रहा है, ये प्लाग का बीच में सेंटर में कोर है, फैट डिपॉजिट हो गया, फॉर्म सेल्स बन गए, लिम्फोसाइट्स फैगोसाइट्स और स्मूथ मसल सेल्स आ गई एंडोथीलियम में, और ये थ्रॉम्बस है, ये फाइबरस की कैप बनी हुई है, स्मूथ मसल और कोलाजन आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये कई तरह के लेजन्स हो सकते हैं, इंटीमल लेजन्स, पहले आइसोलेटेड मैक्रो, पहले लेजन बना भाई, इनिशियली लेजन बना, वहाँ पे आइसोलेटेड मैक्रोफाज फॉर्म सेल्स आई, मेनली इंट्रासेल्युलर लिपिड का वहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ, इसको अपन फैटी स्टिक लेजन कह देते हैं, इनिशियल तो सिंपल लेजन था, वहाँ पर फैट डिपोजिट हो गया इसलिए फैटी लेजन, डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये मोटा होता जा रहा है, देखो रेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, टाइप थर्ड के अंदर ये इंटरमीडिएट लेजन बन जाते हैं, टाइप सेकंड चेंज हो जाता है और स्मॉल एक्स्ट्रासेल्युलर लिपिड का पूल बन जाता है, बीच में देखो छोटे छोटे येलो येलो के लिपिड के पूल्स बने हुए हैं, ये टाइप फोर्थ एथेरोमा लेजन है, ये टाइप सेकंड चेंज हो गया और कोर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड का बन गया, तो देखो ये येलो लाइनिंग आपको थोड़ी काफ़ी अच्छे से बड़ी हुई दिखाई दे रही है। टाइप फिफ्थ फाइब्रो एथेरोमा लेजन जो है इसमें लिपिड का कोर और फाइबरस की कैप एकदम क्लियर दिखाई दे रही होती है, या फाइब्रोटिक लेयर आप उसको कह दीजिए, मल्टीपल लिपिड की कोर फाइब्रोटिक लेयर, या मेनली कैल्सिफिक भी हो सकती है, मेनली फाइब्रोटिक भी हो सकती है, हो सकता है कैल्शियम वगैरह डिपॉजिट हो गए होंगे। और टाइप सिक्स कॉम्प्लिकेटेड लेजन्स बन गए, इसमें सरफेस डिफेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, हिमाटोमा हैमरेज और थ्रोम्बस दिखाई दे रहा है। तो देखो ये सीक्वेंस दिखाया गया प्रोग्रेस होता हुआ दूसरे वाले कॉलम के अंदर, ग्रोथ मैकेनिज्म दिखाई गई है, यहाँ थर्ड सेकंड और थर्ड के बीच में ग्रोथ मेनली लिपिड एक्यूमुलेशन की वजह से हो रही है, ये शुरू फर्स्ट और सेकंड तो फर्स्ट डिकेड में शुरू हो जाती है, जबकि थर्ड से फोर्थ स्टेज थर्ड डिकेड में शुरू होती है। फिर देखिए यहाँ फिफ्थ स्टार्ट होने से पहले एक्सीलेटेड स्मूथ मसल्स और कोलाजन इंक्रीज हो गए हैं और थ्रोम्बोस और हिमाटोमा बन गए हैं, यहाँ पे फोर्थ डिकेड से ये शुरू हो रहा है। क्लिनिकल कोरिलेशन ऊपर तो क्लिनिकली साइलेंट बताया गया, पर यहाँ पर क्लिनिकली साइलेंट हो सकता है या फिर ज़्यादा बढ़ गया तो ओवर्ट भी हो सकता है। अब एडवांस्ड एथेरोस्क्लेरोसिस देखिए, एस्टैब्लिश्ड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाग के अंदर मैक्रोफाज मीडिएटेड इन्फ्लामेशन होता है, स्मूथ मसल सेल्स में रिपेयरिंग हो रहा होता है, साइटोकाइंस रिलीज होते हैं मैक्रोफाज से और फिर वो स्मूथ मसल्स लेयर को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं प्लाग के ऊपर, तो वहाँ पे नया लेजन बन जाता है जो कि ज़्यादा वल्नरेबल होता है मैकेनिकल स्ट्रेस के प्रति, और ये अल्टीमेटली वहाँ पर अब आपको घर्षण फिशरिंग और उस प्लाग सरफेस की रपच्चरिंग दिखाई देगी कि वो फट जाएगा रपच्चर हो जाएगा, और वहाँ पर कोई कट भी दिखाई दे सकता है, यानी ब्रीच, अगर प्लाग की इंटीग्रिटी में कोई ब्रीच दिखाई दे रहा है तो फिर वहाँ से ब्लड जो है वो बाहर भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ब्लड बाहर निकलेगा तो भाई प्लेटलेट का एग्रीगेशन होएगा क्योंकि क्लॉट बनना ज़रूरी है, प्लेटलेट आएंगी, प्राइमरी प्लेटलेट का प्लग बनेगा और फिर सेकेंडरी क्लॉट बनेगा जिसको आप थ्रोम्बोसिस कहते हैं, फिर ये एक्सटेंड होएगा, एथेरोमेटस प्लाग बनाएगा और आर्टेरियल ल्यूमन में उसको नैरो बना देगा, इसे पार्शियल या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा लेजन की साइड पर, डिस्टल एम्बोलाइजेशन हो सकता है जो कि इन्फाक्शन कॉज कर देगा, इन्फाक्शन इस्चेमिक नेक्रोटिक एरिया को कहते हैं बच्चों, याद कर लीजिए इन्फाक्शन इस्चेमिक नेक्रोटिक एरिया को कहते हैं, और इस्चीमिया की वजह से फिर ऑर्गन इफेक्ट होएगा।
इश्चीमिया ऑफ द अफेक्टेड ऑर्गन, जिस ऑर्गन पे इसका असर पड़ रहा है वो इश्चीमिया का रिजल्ट उसमें दिखाई देगा। ये एडवांस एथेरोस्क्लेरोसिस भाई देखो, एडवेंटिशिया, मीडिया, इंटीमा और ये ल्यूमन बताई गई है। ये नेक्रोटिक सेंटर है भाई, बीच में नेक्रोसिस हो गया, और ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाग आपको दिखाई दे रहा है। ये स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, और फिर वो परमानेंट टाइप की हो जाती है जिससे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कॉज करेगा। अनस्टेबल एंजाइना में देखो ऑक्लूसिव थ्रोम्बस दिखाई दे रहा है। ये एंजाइना अपन आगे पढ़ेंगे। इस डायग्राम को देखिए, थर्ड वाले में थ्रोम्बस जो है वो पूरी तरह से ऑक्लूड कर रहा है ल्यूमन को, ये नेक्रोटिक एरिया पूरा फैला हुआ, ये पूरे ल्यूमन को ऑक्लूड कर दिया, तो फिर ब्लड सप्लाई हो ही नहीं पाएगी, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कॉज होगा। अब एथेरोस्क्लेरोसिस किस में हो सकता है? मल्टीप्लिकेटिव या एडिटिव इसमें हो सकता है भैया, तो मल्टीप्लिकेशन से या किसी एडिशन की वजह से, पर एडिशन के कंपेरिजन में मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स के ज़्यादा देखे जाते हैं। पर आपको रिलेटिव रिस्क और एब्सोल्यूट रिस्क पता होने चाहिए। एब्सोल्यूट रिस्क भाई एज के साथ ऑब्वियस है भाई, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते एज के साथ, मेल सेक्स के अंदर ही ज़्यादा देखने को मिल रहा होता है, और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री जिनके अंदर होती है उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि रिलेटिव रिस्क में भाई ये वो रिस्क है जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे स्मोकिंग आप छोड़ सकते हैं, हाइपरटेंशन आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटस इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, डीएम को, हीमोस्टैटिक फैक्टर अगर कोई है, फिजिकल एक्टिविटी आप स्टार्ट कर दीजिए फिजिकल एक्टिविटी, तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मोटापे को कम करिए, अल्कोहल लेना बंद करिए, दूसरे डाइटरी फैक्टर्स को सही करिए, जैसे हेल्दी डाइट लीजिए, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल डाइट लीजिए विदाउट ऑयल, आपको स्पाइसी हॉटी फूड नहीं आपको खाना है, आपकी पर्सनैलिटी यानी टाइप ए पर्सनैलिटी, ब्लड ग्रुप जो टाइप ए पर्सनैलिटी होती है, मतलब आपको चिड़चिड़े नहीं रहना है, गुस्से में नहीं रहना है, स्ट्रेस में नहीं रहना है, ऐसी पर्सनैलिटी आपकी नहीं होनी चाहिए। और सोशल डेप्रीवेशन यानी समाज से कटके नहीं रहना है, लोगों के साथ हंसी मजाक करिए। अब एब्सोल्यूट रिस्क फैक्टर में एज और सेक्स जो हमने कहा, तो जैसे प्री मेनोपॉजल वेमेन जो है उनको लोअर रेट होती है मेन के कंपैरिजन में, जबकि मीनोपॉज के बाद ये सेक्स डिफरेंस ख़त्म हो जाता है। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भाई, अगर फैमिली में ये चीज़ चलती आ रही है, शेयर्ड जेनेटिक अगर किसी के पास है, एनवायरमेंटल लाइफस्टाइल फैक्टर है, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। रिलेटिव फैक्टर तो वही मैंने सारे बता दिए, ठीक है ये पॉइंट्स आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये हीमोस्टैटिक अंदर प्लेटलेट एक्टिवेशन, हाई लेवल का फाइब्रिनोजन अगर बन रहा होता है, या एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज जिनके अंदर पाई जा रही होती हैं, बाकी खुद से पढ़ लीजिए, मैं समझा चुकी हूँ ये सारे फैक्टर्स आपको। ख़त्म एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ में ही दूसरी डिजीज़ हम पढ़ते हैं, एंजाइना। एंजाइना क्या होता है? पेन होता है जो कि बॉडी के उन एरियाज़ में हो रहा होता है, उस कुछ एरियाज़ में हो रहा होता है जब हार्ट मसल ऑक्सीजन रिच ब्लड पर्याप्त रूप में प्राप्त नहीं कर पाती है, मतलब हार्ट को जब ऑक्सीजन रिच ब्लड प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो किसी पर्टिकुलर एरियाज हार्ट वाले पर्टिकुलर एरिया में सीने में दर्द होना स्टार्ट होता है, तो उस दर्द को आप एंजाइना कहते हैं। एंजाइना एक चेस्ट पेन है, एक डिजीज़ नहीं है, एक सिम्टम है, मतलब ये बता रहे हैं कि हार्ट प्रॉब्लम होने वाली, स्पेशली IHD। ये एंजाइना हैवी, टाइट और ग्रिपिंग भी हो सकता है, टिपिकली सेंट्रल या रिट्रोस्टर्नल भी हो सकता है। ये माइल्ड एक के रूप में दिखाई दे सकता है, या हो सकता है बहुत ज़्यादा सीवियर हो के पसीना आना हो शुरू हो जाए, पर्सन घबरा जाता है, डरने लग जाता है, इसमें सांस की भी कमी हो जाती है पर्सन के अंदर, ब्रीदलेसनेस। अब कैनेडियन कार्डियोवैस्कुलर सोसाइटी ने फंक्शनल क्लासिफिकेशन किया है एंजाइना का, तो ये चार तरह का उसने कहा। पहला, कोई एंजाइना, नो एंजाइना विद ऑर्डनरी एक्टिविटी, ऑर्डनरी एक्टिविटी के साथ कोई एंजाइना नहीं होता, स्ट्रीनस एक्टिविटी के साथ में होता है, ये क्लास वन टाइप का है। क्लास सेकंड, एंजाइना ऑर्डनरी एक्टिविटी के दौरान अगर हो रहा है, जैसे कि अगर आप पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, या तेज़ी से सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, या माइल्ड लिमिटेशन है एक्टिविटीज़ की, कुछ एक्टिविटीज़ केवल लिमिटेशन के साथ में हो रही है, तो ये क्लास सेकंड कहलाता है। क्लास थर्ड में एंजाइना लो लेवल एक्टिविटी के साथ में, जैसे अगर 50 से 100 यार्ड में आप पैदल चल रहे हैं और उस वक्त ही दिखाई दे गया, या आप वॉकिंग अप वन फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स पे चढ़ते ही आपको स्टार्ट हो गया ये दर्द, या मार्क रेस्ट्रिक्शंस एक्टिविटीज़ के साथ में दिखाई दे रहा होता है,
जब आप एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा कम कर रहे होते हैं। क्लास फोर्थ एंजाइना रेस्ट में भी दिखाई दे रहा है विद एनी लेवल ऑफ एक्सरसाइज। आप किसी भी तरीके को एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर रेस्ट कर रहे हो और एंजाइना दिखाई दे रहा है। अब क्लासिकल या एक्जर्शनल एंजाइना पेक्टोरिस देखिए, इसको किससे करेक्टराइज करेंगे, इसमें कॉन्स्ट्रिक्टिंग डिस्कम्फर्ट हो जाता है। कॉन्स्ट्रिक्टिंग मतलब चौकिंग, अरे ऐसे लगे जैसे किसी ने दबा दिया होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया होगा और डिस्कम्फर्ट होने लग जाता है चेस्ट के फ्रंट में, आर्म्स में, नेक में, जॉ में, यहाँ पर डिस्कम्फर्ट फील हो रहा होता है पर्सन को। ये फिजिकल एक्जर्शन से शुरू होता है, स्पेशली मील के बाद में, सर्दियों में, हवा वाले मौसम में, गुस्से के दौरान, एक्साइटमेंट के दौरान ये प्रोवोक्ड हो जाता है और रिलीव कुछ मिनटों में ठीक भी हो जाता है कई बार रेस्ट करने से या ग्लिसरेल ट्राई नाइट्रेट लेने से भी इसमें रिलीव मिलता है। ओकेजनली ये कंटिन्यूड एक्जर्शन के साथ में डिसअपियर होता है, जैसे कि वॉकिंग थ्रू द पेन, ये ठीक होता है। टिपिकल एंजाइना यही तीनों फीचर्स दिखाई देंगे। ए टिपिकल एंजाइना में इनमें से कोई तीन में से कोई दो दिखाई देंगे और नॉन एंजाइनल चेस्ट पेन में केवल एक ही फीचर या उससे भी कम दिखाई देगा। टिपिकल एंजाइना स्टेबल, अनस्टेबल, रिफ्रैक्टरी और वेरिएंट टाइप का हो सकता है। रिफ्रैक्टरी अगर अपन नहीं पढ़ते तो स्टेबल, अनस्टेबल और वेरिएंट तो हमें याद रहने ही चाहिए। स्टेबल एंजाइना ये एपिसोडिक होता है, क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें कोई ऐसा चेंज नहीं आता, सीवियरिटी ऑफ अटैक्स में कोई चेंज नहीं है। मतलब देखो सिंपल सा मैं बता दूं भाई आपको, स्टेबल एंजाइना जो है एक्चुअली आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ के दौरान, एक्सरसाइज वगैरह के दौरान या एक्साइटमेंट के दौरान दिखाई देता है और रेस्ट करने पर ये ठीक हो जाता है। अनस्टेबल एंजाइना किसी स्ट्रेस की वजह से दिखाई दिया और रेस्ट करने पर भी वो वैसा का वैसा बना हुआ रहता है तो वो अनस्टेबल एंजाइना। और वेरिएंट एंजाइना जो कि किसी एक्सरसाइज वगैरह से कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, स्ट्रेस वगैरह से तो जुड़ा हुआ, ऑब्वियस स्ट्रेस तो रोल करता ही है और ये रेस्ट करने पर भी बढ़ता जाता है तो इसको अपन वेरिएंट एंजाइना कहते हैं। तो अनस्टेबल एंजाइना में डिटोरिएशन 24 घंटे का है, प्रीवियस स्टेबल एंजाइना के साथ में सिम्टम्स फ्रीक्वेंटली रेस्ट में भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि स्टेबल एंजाइना रेस्ट करने पर ठीक हो जाता है। मतलब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम किसी को हुआ हो तो, ऊपर क्लिनिकल सिंड्रोम था, ये कोरोनरी सिंड्रोम है। रिफ्रैक्टरी एंजाइना पेशेंट जिसमें सीवियर कोरोनरी डिजीज़ हो, रीवेस्कुलराइजेशन जिसमें पॉसिबल नहीं है तो एंजाइना को कंट्रोल नहीं किया जा सकता मेडिकल थेरेपी के द्वारा। और वेरिएंट को अपन प्रिंसमेटल्स एंजाइना भी कहते हैं, ये अकर्स विदाउट प्रोवोकेशन, कोई प्रोवोकेशन नहीं कर रहे बल्कि रेस्ट के दौरान भी ये बना रहता है और ना केवल बना रहता है इवन बढ़ता भी है रेस्ट के दौरान। कोरोनरी आर्टरी स्पाज़म की वजह से ऐसा होता है, पूरा पूरा स्पाज़म आ गया और ये अक्सर वुमेन के अंदर देखा जाता है। स्टेबल एंजाइना सेंट्रल चेस्ट पेन इसमें हो रहा होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, सांस नहीं आती, एक्जर्शन से ये बिगड़ जाता है या कोई और स्ट्रेस की फॉर्म है कि आपको टेंशन हो रही किसी बात को लेकर तो ये बिगड़ जाएगा और रेस्ट करने पे ठीक हो जाएगा। एक्टिविटीज़ जो है वो एंजाइना को बिगाड़ देंगी, प्रेसिपिटेट कर देंगी। कॉमन कौन कौन सी चीज़ें हैं इसको करवाने वाले, फिजिकल एक्जर्शन या ठंड में ज़्यादा रह रहे हैं, हैवी मेटल ज़्यादा लिया है आपने, इंटेंस इमोशन, बहुत दुख हुआ है आपको, सदमा लगा है जैसा मूवीज़ के अंदर सीन दिखा रहे होते हैं वैसा अगर कुछ हुआ है कि अचानक से अटैक आया, कि कोई बड़ी खबर सुनी कि अरे मालिक फैक्ट्री में आग लग गई, तो इस तरह कोई आपने चीज़ सुनी, तो ये सारे फैक्टर्स है जो स्टेबल एंजाइना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अनकॉमन में लाइंग फ्लैट जिसको अपन डिक्यूबिटस एंजाइना भी कहते हैं, विविड ड्रीम्स, नॉक्टर्नल एंजाइना, कई बार सपनों में ऐसा हो जाता है। क्लिनिकल फीचर हिस्ट्री देखिए आप, इम्पॉर्टेंट फैक्टर डायग्नोसिस के लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, अनरिमार्केबल बट केयरफुली सर्च, आपको कुछ एविडेंस करने जैसे कि वॉल्व डिजीज़ है क्या, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हुआ है क्या, आर्टरियल डिजीज़ है क्या किसी तरह की, या अनरिलेटेड कंडीशंस भी हो सकती है एंजाइना के लिए जैसे एनीमिया और थायरोटॉक्सिकोसिस। इंपॉर्टेंट असेसमेंट रिस्क फैक्टर्स के जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेलेटस भी आप देखिए कि है क्या पर्सन को। अब ये इन्वेस्टिगेशन, रेस्टिंग ECG ले सकते हो, एक्सरसाइज में ECG आप ले सकते हो। तो देखिए
एसटी सेगमेंट डिप्रेस मिलेगा आपको रेस्टिंग ईसीजी के अंदर, या एलिवेटेड मिलेगा रिवर्सिबल डिप्रेशन एलिवेशन, और टी विद और विदाउट टी वेव इन्वर्जन ऐसा दिख सकता है। और एक्साइज ईसीजी के अंदर एक्साइज टॉलरेंस टेस्ट आप करवा सकते हो, जैसे टीएमटी टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट आप करवा सकते हो, बाइसिकल टेस्ट आप करवा सकते हो, और वही एसटी डिप्रेशन आपको दिखाई दे सकता है। ये इन्वेस्टिगेशंस देखिए भाई आप, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। टीएमटी टेस्ट वगैरह ये अपने यहाँ पे करवाए जाते हैं कार्डियक के अंदर, हल्दीराम में आप देखिए, ड्यूटी के दौरान देखिएगा, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अदर इन्वेस्टिगेशंस में स्ट्रेस टेस्टिंग कर सकते हो, मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग कर सकते हो, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी, वही स्ट्रेस की ईसीजी आप ले सकते हो, कोरोनरी एंजियोग्राफी आप करवा करके देख सकते हो। डिटेल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं इन्वेस्टिगेशन में डिटेल क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं, आप खाली नाम नाम लिख दीजिए, पर्याप्त है इतना। ये कोरोनरी एंजियोग्राफी समझाई हुई है, देख लीजिएगा, बाकी आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इसके साथ ही आईएचडी के अंदर मैंने आपको एथेरोस्क्लेरोसिस और एंजाइना पेक्टोरिस नाम की डिजीज़ पूरी करवा दी है। एंजाइना मतलब पेन और पेक्टोरिस का मतलब चेस्ट होता है, तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, चेस्ट पेन है। बाकी आप इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है।